क्या आप जानते हैं कि हम क्यों भूल जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम क्यों आखिर भूल जाते हैं। कोई भी वस्तु या फिर वर्ड हम देखते हैं पहली बार और उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी वर्ड नया जानते हैं और उसको 24 घंटे में एक बार फिर से रिवीजन नहीं करते हैं तो वह आपका वर्ड शॉर्ट मेमोरी में चला जाता है। आपके ब्रेन में दो मेमोरी होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आप कोई भी वर्ड को, नई चीज़ को या फिर सीखते हैं, लर्निंग पे हैं, अगर उसे आप 24 घंटे में एक बार नहीं देखते हैं तो वह आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाती है, और अगर आप 24 घंटे में उसे रिवीजन करते रहते हैं तो वह आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती रहती है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी तो हम चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है तो जल्दी हम नहीं भूल पाते और लॉन्ग देर तक हमारे ब्रेन में रह सकती है। तो इसीलिए हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी वर्ड जो हम लर्निंग पे होते हैं वह शॉर्ट मेमोरी में ही छोड़ देते हैं, बल्कि हमें यह नहीं करना है। हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा कर के उस वर्ड को छोड़ देना है, तब हम भूलेंगे नहीं जल्दी। और हाँ, एक मान लीजिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप छोड़ दिए वर्ड को रिवीजन करने के दौरान, और उसके 10 दिन या 15 दिन बाद फिर से आपको एक बार रिवीजन करना है ताकि वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही बना रहे, शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिर से वापस ना चला जाए। तो इसीलिए हम भूल जाते हैं। आज का वीडियो यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।